जय श्री श्याम, जय श्री राधे सभी को। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और कान्हा जी की कृपा आप पे बनी रहे। तो यहाँ पर जो है मैं कर रही हूँ अपना बिस्तर साफ। बच्चे वगैरह उठ चुके हैं क्योंकि छुट्टियाँ चल रही हैं बच्चों की। एक दिन छुट्टी होती है, एक दिन पेपर होता है, तो बच्चे लेट ही उठते हैं। तो मैं नीचे काम वाम करने चली गई इतना, और फिर मैं ऊपर आके बच्चे वगैरह उठ गए, तो फिर मैंने सोचा चलो अपनी साफ़ सफाई कर लेते हैं, बिस्तर भी हटा देते हैं। क्योंकि सुबह सुबह का जो होता है ना, झाड़ू पोछा वगैरह तो हम कर ही जाते हैं नीचे, लेकिन जो बिस्तर हटाना होता है वो बाद में ही होता है। कई बारी साथ में हो जाता है जब बच्चे जल्दी उठ जाते हैं। तो बस लगे हुए हैं। तो आज मैं सोच रही हूँ अपनी बेडशीट वगैरह भी चेंज कर दूँ, क्योंकि ये वाइट कलर की है। वाइट कलर की जो बेडशीट होती है वो बहुत जल्दी गंदी होती है। और वैसे भी मेरा तो पता नहीं क्या है, 2 3 दिन ही मतलब बेडशीट बिछती है और मैं हटा ही देती हूँ, चाहे गंदी हो या ना हो। मेरे तो दिमाग में सिनकी रहती है, तो इसलिए ये सब मैंने डार्क कलर की बेडशीट ली है। ये बेडशीट जो है मुझे कम पसंद है, क्योंकि इसका कपड़ा ना वैसा है चिकना टाइप से जो है, मतलब जैसे कि आप जैसे देख ही रहे थे, मैं सफाई में लगी हुई थी और मेरा बेड वगैरह साफ हो चुका है। एक्चुअली ऐसा होता है ना, बच्चे वगैरह सोते हैं, एग्जाम चल रहे हैं, तो लेट ही उठते हैं जिस दिन छुट्टी होती है। तो जो है बिस्तर पड़ा हुआ था, मैं नीचे काम करने गई थी, आई देखा बिस्तर बिखरा हुआ पड़ा है, तो उसे मैंने पहले ही साफ करा। और अब मैं हल्की फुल्की जो क्लीनिंग होती है वो बाद में करती हूँ, और जो झाड़ू पोछा वगैरह मैं कर जाती हूँ, डस्टिंग वगैरह मैं बाद में करती हूँ ज़्यादातर। तो अब मैं बस वही करूँगी, तो बने रही मेरे ब्लॉग। और मेरे तो बच्चे भी पता नहीं क्या है, इन्हें आदत है सोफे पे भी बुक्स वगैरह कपड़े वगैरह बिखेर के डाल देते हैं, और टेबल पे भी बस घंटे 2 घंटे ही ये क्लीन रहते हैं। उसके बाद तो फिर वैसे ही इनका हाल हो जाता है, जो मतलब थोड़ी देर पहले मैंने ठीक किया हुआ होता है। और देखो सुबह झाड़ू लगने के बाद भी इतना कूड़ा निकला है। तो यहाँ पर ड्रेसें जो मैं रख रही हूँ उठाकर, क्योंकि इतनी गर्मी है नहीं, बहुत हैवी हैवी मोटी मोटी है इनकी जो ये ड्रेस हैं, पोशाक हैं, वो मैं आज उठाकर रख दूँगी। जो हल्की फुल्की हैं तो वो वाली मैं इनकी बाहर निकालूँगी, तो इन्हें मैं पैक करके सारे ड्रेसेस रख दूँगी। जी बहुत हैवी हैं ये, क्या हमें ही गर्मी लग रही है, तो बच्चों को तो और भी ज़्यादा लगती है। तो आज मैं इनकी सारी की सारी पोशाकें रखती हूँ। और ये मेरे लाला का मफलर है, जो मेरे पास बड़े वाले ठाकुर जी हैं ना उनका, तो अब इतने हैवी कपड़े पहनाने की ज़रूरत नहीं है। बस अब मैं इन्हें सिर्फ गर्म इनर और वैसे ठंडे वाले कपड़े ही पहनाऊँगी, या फिर जो वैसे आते हैं ना गर्म कपड़े में जो आते हैं वो वाले पहनाऊँगी। देखो एक ये मेरे ठाकुर जी की ड्रेस, ये सब मैं उठा कर आज रखने वाली हूँ, जिससे कि इस टाइप के रख लूँगी। ये ना ये थोड़े ज़्यादा गर्म नहीं होते, ज़्यादा मोटे नहीं होते, इस टाइप के कपड़े के मैं इनकी ड्रेसें रख लूँगी। ये ओके, वैसे ऊन के तो पहनाने की ज़रूरत है ही नहीं, इतने हैवी हो रहा, जो हमें ही गर्मी लग रही है तो ठाकुर जी को भी गर्मी लगी रही होगी। इनके इतने कपड़े हैं मेरे ठाकुर जी के, बस घर में यहाँ वहाँ मिलते ही रहते हैं। ये उठा के भी रख दूंगी ना मैं, उसके बावजूद भी मुझे कहीं ना कहीं एक आध कपड़ा रह जाएगा इनका। और ये देखो मेरे ठाकुर जी की पैंट, मैंने जो रुमाल आता ना ऐसा फर वाला जो सॉफ्ट सा जो हैंग किया था, उसमें से ये मैंने इनका पैंट बनाया था जिससे कि ये गर्म रहे। और देखो छोटू सी पजामी, छोटी छोटी सी पजामियाँ हैं ये मेरे लाला की। ये सारे कपड़े मेरे ठाकुर जी के हैं, वैसे ये हल्का है, देखती हूँ मैं इसे पहनाई, ये ज़्यादा मतलब मोटा वाला नहीं है।
इतनी तो है भी ठंड, थोड़ा हल्का फुल्का बना दे। पर इनकी शॉल वगैरह है ना, इन्हें उठा के रख दे रही हूँ, पोचो वगैरह, इनकी लाइक तो ठंड है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है इतनी तो, कि हम इतने ज़्यादा अपने ठाकुर जी को कपड़े देना है। और भाई कमेंट में बताना ज़रूर कि किस किस के ठाकुर जी के पास इतने सारे कपड़े हैं। मेरा तो अगर मैं आपको दिखाने लग जाऊँ ना, मेरा पूरा बैग भर जाएगा इतने सारे कपड़े हैं। और ये बैग है ये बहुत बड़ा है, ठीक है, इसमें भी नहीं आएंगे इनके गर्म कपड़े, ये सोच लो। ये तो मैंने अभी कुछ ही कपड़े निकाले हैं, सिर्फ थोड़े से ही कपड़े निकाले हैं, ये मैंने ज़्यादा नहीं निकाले। और इनके कपड़े अगर दिखाने लगी ना तो पूरा बैग ही भर जाएगा, इतने इनके कपड़े हैं। दिखाऊंगी कभी इनका कलेक्शन भी इनके चैनल पे, श्याम दिवानी के नाम से चैनल है इनका, ठाकुर जी की पोशाक उस पर ही मैं दिखाऊंगी। और बच्चे ना बाहर खेल रहे हैं, मैं एक्चुअली बाहर वाले रूम में हूँ ना, तो बाहर से आवाज़ आ रही होगी रोड से, बाइक वगैरह के बच्चों के खेलने की ना, इस करके। और देखो मेरे ठाकुर जी की ना, बड़े वाले ठाकुर जी की कुछ ड्रेस है, अब ये तो गर्मी आ रही है ना, अब पहनाऊंगी उन्हें ना। और ये ना थोड़ी सी छोटी है इनके, बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी, वो भी ये छोटी है थोड़ी सी, पर मैं उनके ना एडजस्ट कर देती हूँ। जैसे 6 महीने का बच्चा होता है ना, उस साइज के इनके कपड़े आते हैं, लेकिन जो फ्रॉक टाइप्स होते हैं वो 1 से 1.5 साल तक के बच्चे की लेनी पड़ती है हमें, जो इतना बड़े साइज का, मतलब 15 नंबर के हैं। तो मैं आ चुकी हूँ अपने किचन में और मैं बनाऊंगी अपने लिए कॉफ़ी, क्योंकि मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है, मेरे पेट में भी दर्द हो रहा है, दोनों ही एक साथ दर्द हो रहा है। तो मैं सोच रही हूँ पहले मैं कॉफ़ी बना के पी लूँ। तो मैंने कॉफ़ी के लिए यहाँ पे दूध जो है गर्म करने रख लिया है, और मुझे कॉफ़ी वैसी वाली पसंद नहीं है जो बहुत से लोग बॉयल करके कॉफ़ी बनाते हैं, या कुछ लोग झाग वाली कॉफ़ी पीते हैं, मुझे वो पसंद नहीं है। मुझे सिंपल कॉफ़ी पसंद है, दूध लेती हूँ, कप में डालती हूँ, चम्मच से अपने अकॉर्डिंग चीनी और कॉफ़ी डाल के मिक्स करके पीती हूँ। मुझे वाली कॉफ़ी ज़्यादा बेटर लगती है बाकी सबसे। तो बस मैं अभी वही बनाऊँगी, सर में दर्द हो रहा है, थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, जिम का टाइम भी हो रहा है, देखते हैं जिम जाते हैं नहीं जाते हैं। मन तो बहुत हो रहा है जिम जाने का, पर देखते हैं अगर सिर का दर्द ठीक हो गया या पेट में भी दर्द हल्का फुल्का वो ठीक हुआ तो जाती हूँ, अदरवाइज रेस्ट ही करेंगे फिर। तो मैंने देखो इसमें कॉफ़ी और चीनी मिक्स कर लिए, और जैसे बच्चे बॉर्नविटा पीते हैं ना, मैं इस तरह से कॉफ़ी पीती हूँ, तो अब मैं ऐसे पीऊँगी। मुझे इस तरह से पता नहीं क्यों पसंद है। तो चलिए गर्मा गर्म कॉफ़ी। सॉरी मैं पहले गेट बंद कर दूँ किचन का, क्योंकि हमारे यहाँ बिल्ली बहुत आती है। बिल्ली का सीन बहुत गंदा है हमारे यहाँ भाई। हंसी यहाँ कौन सी स्टडी हो रही है अंदर, चल मैं यहाँ पे गेट लगा दूँ। और यहाँ जो बच्चों की एग्जाम चल रहा है, तो बच्चे देखो यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, संतरा खा रही है। यहाँ नहीं पढ़ेगी अंदर, पर आराम से यहाँ नहीं, मम्मा यहाँ नहीं नहीं, यहाँ बच्चों का शोर आता बाहर से। एक्चुअली ये ना बाहर वाला रूम है ना, तो यहाँ से ना वो आता फिर बाहर से गाड़ी और वैसा शोर बच्चों का खेलने वेलने का। आ जा गेट लगा दे इस कमरे का, आ जल्दी अंदर आके बैठ ले हंसी। पीते हैं गर्मा गर्म कॉफ़ी। बहुत दिनों बाद मैंने व्लॉग स्टार्ट किया अपना, कंटिन्यू कर रही हूँ, कोशिश करूँगी कंटिन्यू रहे भाई, श्योर नहीं हूँ, क्योंकि कई बार ना हो नहीं पाता, कोशिश करते ही रह जाते हैं। तो चलिए आप सब भी पी लीजिए मेरे साथ कॉफ़ी। तो मैं कॉफ़ी इंजॉय कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेरे सर में दर्द हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो कॉफ़ी पी लेते हैं। कॉफ़ी पी फिर मैंने इसके बाद मेडिसिन ली थी, नीचे से मैंने मेडिसिन मंगाई अपने लिए देवरानी से। तो ये मेडिसिन देने आए हुए थे, फिर हम दोनों गॉसिप करने लगे थे। तो देखो यहाँ पे बैठे हुए हैं हम दोनों, वार्तालाप कर रहे हैं।
तो यहाँ मैं आ गई हूँ नीचे वाली किचन में, मतलब बीच वाली किचन में जो हमारी जॉइंट वाली किचन है, तो वहाँ पर मैं आई हूँ पापा जी के लिए कॉफ़ी बनाने के लिए। और आज जो हमने बनाया था, देखो वो बनाया था साग। अभी दिखेगा नहीं, अंधेरा सा हो रहा है। एक्चुअली जाल एकदम हमारा बंद हो रखा है ना, तो थोड़ा सा लाइट भी कम चल रही है, तो इसलिए अभी आपको दिखाई नहीं देगा। फिर इसके बाद हम जाएंगे घूमने, घूमने के मतलब थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है, तो मार्केट जाना है, फिर वहाँ से आके अपने किचन के काम में लगेंगे। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में कंटिन्यू। पतिदेव की आंटी है। तो यहाँ पर पतिदेव आकर टीवी देख रहे हैं, मैच देख रहे हैं शायद। हाँ मैच ही आ रहा, तो मैच देख रहे थे वो, तो मैं बैग से शूट कर दिया मैंने। अभी कपड़े भी नहीं उतारे मैच का, मेरा बेटा और मेरे पतिदेव भाई बहुत शौकीन है, बेटा तो कुछ ज़्यादा ही है। तो अभी मैं फ्री होकर आई हूँ नीचे से, खाना वाना बना के मतलब फ्री होकर बैठी हूँ अभी मैं। 10:15 बजे का टाइम हो रहा है, तो चलो मैं करती हूँ अपने वीडियो का एंड। तो अगर आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। तो सभी को जय श्री राधे, जय श्री श्याम, गुड नाइट एवरीवन।